तुमका सगळ्यां माय मोगाचं योगदान. तुम्ही सगळे कसं असत? बरं असत मी. अच्छा, मंच पे उपस्थित बाबू कवलेकर जी, जो यहां से 5 टाइम के विधायक रहे हैं, बहुत गर्व की बात है. सलमान जी जो हमारे साथ दिल्ली से आए हैं, टीओ फासियो जी एमएलए जो यहां से रह चुके हैं, यहां से एमएलए हैं, जियो डायस जी, फिलो डिकोस्टा जी, प्रतिमा जी, महिला की अध्यक्ष अर्चित जी, इनकी सावित्री जी, और यहां पर मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गण हैं, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, सभा के लिए लेट आने के लिए मैं माफी चाहती हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं. सबसे पहली बात हमें ये देखनी होगी कि जो सरकार यहाँ पर चली है, ये मिली जुली सरकार किस तरह से चल रही है. सबको हिंदी तो अच्छी तरह से आती है ना? हाँ, बड़े टू गुड. यहाँ पर माइनिंग की इतनी बड़ी समस्या है, सबको पता है कि माइनिंग की कितनी बड़ी समस्या है, जिसके वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ गई है. और बेरोजगारी तो हम सब टीवी पे देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी किस कदर से है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या कहा था कि 10,000 नौकरियां देंगे, बराबर कितना? अच्छा चलो, मैं तो 10 बोली, लेकिन 50 बोले थे, लेकिन कितने दिए? कुछ भी नहीं मिला, कुछ नौकरियां किसी को नहीं मिली. और यहाँ पर जो गरीब बेरोजगार है, खास करके ये चाहते हैं कि माइनिंग में जितने भी लोग लगे हैं उनको बिल्कुल नौकरियां नहीं मिलेंगी. पिछले 5 साल से यहाँ पर पूरे गोवा में 2 सांसद हैं, लेकिन मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट माइनिंग के लिए नहीं ले पाए. माइनिंग वापस से खोलने के लिए, इन लोगों को नौकरियां देने के लिए. दूसरी सबसे बड़ी समस्या है फॉर्मेलिन की, और सब जानते हैं कि फॉर्मेलिन से क्या होता है, ये कैंसरस होता है, इसमें कैंसर का तत्व होता है, जिससे ये जो मिनिस्टर्स हैं इस मच्छी में, मच्छी को प्रिजर्व करने के लिए उसमें फॉर्मेलिन मिक्स करते हैं, और उससे लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है. ये सबसे बड़ी भी एक समस्या है, और ये समस्या भी ये लोग क्या चाह रहे हैं विश्व भर में, पूरे देश में क्या चाह रहे हैं. विश्व में तो मोदी जी दौरा करते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा हुआ वैसा हुआ, विदेश से पैसा आया, पर देखने जाओ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कांग्रेस और एमजीपी के विधायकों को खरीदा है. और जो विधायकों को ये खरीद फरोशी सब जगह लगा के रखे, टीवी तो सबके घर में है ना, सभी लोग टीवी देखते हैं. हाँ, यहाँ के मेरे भाई लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है. तो टीवी देखने से सबको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर और पूरे देश भर में. जिस तरह से मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने निकाला है, विदेश से निवेश लेने की बात आ रही है, क्या क्या करने की बात, गोवा को किस क्या से क्या बनाने की बात थी, लेकिन क्या हो रहा है? हमारे ऑपोजिशन के लीडर है, बड़ा धासु बोलते हैं बाबू कवलेकर जी, और काफी सारी बातें इन्होंने आप सबसे बोली है. हमारी जो महिला की अध्यक्ष बहुत जुझारू है, यहाँ पर बहुत एक्टिवली लगी है, काम कर रही है, और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका आपके बीच में बार बार 2007 से नहीं बल्कि 2004 से मैं गोवा आ रही हूँ लगातार, चाहे वो दिगंबर कामत जी के लिए हो, या प्रताप सिंह राणे जी के लिए हो, या जितने भी आपके गोवा के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन सब के लिए. हाँ, वो अभी आके गए, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि
कि आप लोगों ने जो ये कमान इनके हाथ में दी थी, भाजपा के हाथ में, और नरेंद्र मोदी जी को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो पिछले 5 साल से हम जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देखे, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। और दूसरी ओर राहुल जी ने कहा था कि किसानों को कर्ज माफी करेंगे, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर जिस भी राज्य में हमने सरकार बनाई, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हमने जहां भी सरकार बनाई वो जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। सबसे बड़ी बात, तो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। और न्याय का जो उनका स्कीम है, जो अभी बाबूजी ने आप सबको सुनाया बताया, जिसके बारे में कि ये 72,000 रुपए सालाना जो 5 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात है, उन लोगों को 6,000 प्रति माह जो मिलेगा वो आपकी एक वोट से मिलेगा।